जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का मेरा ये पूरा का पूरा जो वीडियो होने वाला है वो CRPF और CISF, इनकी ड्यूटीज़ में क्या अंतर है, इनकी फैसिलिटीज़ में क्या अंतर है, और आपके लिए इनमें से अगर बेस्ट चॉइस सुननी हो तो कौन सी होगी, इसके लिए ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CISF और CRPF की ड्यूटियों में कितना अंतर है, इनकी छुट्टियों में कितना अंतर है, इनके वेलफेयर में कितना अंतर है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इन पर है। साथ ही बता दूं दोस्तों, SSC GD की जॉइनिंग से संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बनाए और जॉइनिंग लेटर मेरा दिखा के कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी है, उसकी नियम और शर्तें क्या क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कईयों को ऐसा लगता है कि CRPF जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है कि मतलब ये रिजर्व में रहती है, मतलब कहीं रुकी हुई रहती है रिजर्व में, जैसे कईयों को ऐसा लगता है शुरुआत में कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कहीं रिजर्व में रहती है और वक्त आने पर यह काम करती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। CRPF हमेशा ड्यूटी रहती है CRPF की, और रिजर्व में पुलिस के अंडर में नहीं रहती। तो अब इनके जो बड़ा बड़ा अंतर है वो क्या क्या है दोस्तों, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बताएं कि CRPF लाइन एंड ऑर्डर ड्यूटी करती है, जैसे शांति स्थापित करने के लिए 144 जब धारा लगती है तब भी करती है, और जब 144 धारा नहीं भी लगती, जब भी आपने देखा हो कोई बड़ा CM या PM जब भी आते हैं तो लाइन एंड ऑर्डर मतलब शांति स्थापित करने के लिए ड्यूटी करती है, जबकि ये ड्यूटी CISF भी करती है दोस्तों। तो इन दोनों ड्यूटियों में सेम है CISF और CRPF। इसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्शन ड्यूटी, तो इलेक्शन ड्यूटी CRPF थोड़ा ज़्यादा लेवल पर करती है, क्योंकि CRPF काफ़ी बड़ी फोर्स है। आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में CRPF 3.5 लाख के आसपास की फोर्स है पैरामिलिट्री में, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है और सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो आपने ज़्यादातर जवान CRPF की इलेक्शन ड्यूटी में देखे होंगे, लेकिन CISF भी इलेक्शन ड्यूटी करती है दोस्तों, ये भी सेम है। इसके बाद में CRPF नक्सल विरोधी गतिविधियों के खिलाफ काम करती है दोस्तों। आपको पता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, अरुणाचल, इन सभी स्टेट में CRPF के जवान रहते हैं, जो नक्सल विरोधी जैसे CRPF के स्पेशल एक कमांडो भी बना रखे हैं, कोबरा कमांडो, जो स्पेशली नक्सलवादियों के खिलाफ काम करने के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। तो लेकिन CISF इस प्रकार की ड्यूटी नहीं करता दोस्तों, CISF नक्सलवादियों के विरोधी जंगल में जाके ड्यूटी नहीं करता है। CISF इसके कौन सी ड्यूटी करता है, सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा की ड्यूटी करता है दोस्तों। इंडस्ट्रियल एरिया जैसे आपने सुना भी है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ में जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गए, मेट्रो है, इन जगहों पे आपने CISF के जवानों को देखा हो, या कोई न्यूक्लियर प्लांट है, जैसे हमारे देश का कहीं पे भी बेंगलोर जैसी सिटी में न्यूक्लियर प्लांट है, या कोई बड़ी देश की बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी कोई एजेंसी है जिसके अंडर मतलब काफ़ी देश का उपक्रम में बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, इस प्रकार के अगर कुछ भी प्लांट व्लांट है तो उसकी सुरक्षा का काम CISF करती है दोस्तों। बाद में वापस आएँ अगर CRPF में, तो इसके बाद में CRPF आपको पता है सबसे ज़्यादा स्पेशल ड्यूटी करने वाली फोर्स है, सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स में CRPF एक मात्र ऐसा बल है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल ड्यूटी है। मतलब आप CRPF में रहते हुए देखो, आपको गिना रहा हूं मैं, कोबरा में काम कर सकते हो, कोबरा कमांडो, NSG में काम कर सकते हो, SPG में काम कर सकते हो, RF में काम कर सकते हो, NDRF में काम कर सकते हो, और CBI में नियुक्ति पे जा सकते हो, IB में जा सकते हो। तो मतलब CRPF सबसे ज़्यादा स्पेशल ड्यूटी करने वाली फोर्स भी है। RF रैपिड एक्शन फोर्स, NDRF नेशनल डिजास्टर फोर्स है, उसमें भी काम कर सकते हो, उसमें सभी आते हैं, उसमें CISF के भी जवान आते हैं, लेकिन RF CRPF का ही है। कोबरा आपको पता है जैसा कि ये भी CRPF का ही है। तो दोस्तों इनमें भी CRPF के जवान काम करते हैं स्पेशल ड्यूटियों के रूप में, लेकिन CISF की इतनी स्पेशल ड्यूटियां नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा NSG में जाते हैं, SPG में CISF के भी जाते हैं और NDRF में जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम आंकड़ा जाता है CRPF के बजाय। अगर कंपेयर करें तो CRPF का बहुत बड़ा आंकड़ा जाता है, क्योंकि CRPF बहुत बड़ी फोर्स है दोस्तों। अब इसके बाद में अगर आते हैं तो CRPF आपको पता आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में भी ड्यूटी करता है, आर्मी के साथ मिलकर कश्मीर जैसे इलाकों में। आपको पता है कश्मीर में बहुत सारी बटालियन है CRPF की, कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू या ऊपर तक मतलब ड्यूटियां करता है कश्मीर की वैलियों में, तो वहाँ पर आर्मी के साथ ड्यूटी करता है, लेकिन CISF वहाँ पर केवल एयरपोर्ट ड्यूटी ही करता है, जबकि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में ड्यूटी नहीं करता दोस्तों। इसीलिए CISF को कम रिस्क वाला यानी सबसे ज़्यादा कम रिस्क वाला बल माना जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो हम जैसे CAPF के बात करें
उसका रीज़न ये है क्योंकि ना तो ये आतंकवाद के खिलाफ मतलब ड्यूटी करता, ऐसा नहीं कि आतंकवाद को मतलब आ जाएगा तो ड्यूटी नहीं करेगा, लेकिन मतलब जाके सामने से नहीं करता, या नक्सल विरोधी गतिविधियों में भी बहुत ही कम लीन रहता है। आपको पता है ज़्यादातर चाहे सब एयरपोर्ट पे हो या इंडस्ट्रियल एरिया या कोई भी जैसे सरकारी उपक्रम हो गए, न्यूक्लियर प्लांट हो गया या कोई भी बड़ा देश का जैसे मिसाइल संगठन कोई प्लांट है, तो इस प्रकार की ड्यूटी करता है। अब CRPF है तो वो इन सभी प्रकार की ड्यूटी करता है, मतलब आतंकवादी विरोधियाँ भी बहुत सारी ड्यूटी करता है दोस्तों। अब बाकी मैंने स्पेशल ड्यूटी भी बता दी आपको, CRPF बहुत ज़्यादा स्पेशल ड्यूटी करता है। अब बाद में अगर हम वापस CRPF पे आए तो CRPF को आपको पता है पेमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो CRPF के आप मान के चलिए कम से कम जो रिस्क अलाउंस है वो है 7,400 और ज़्यादा से ज़्यादा वो है 17,300। अभी प्रेजेंट टाइम बात करें जो कश्मीर में जो बंदा ड्यूटी करता है उसको अभी HRA डबल और रिस्क अलाउंस 17,300 मतलब 20,000 के आसपास एक्स्ट्रा मनी मिलता है। CISF में ये पैसा बहुत कम होता है, इतना पैसा CISF में नहीं मिलता दोस्तों वहाँ, क्योंकि उनकी रिस्क कम होती है इसलिए पेमेंट भी कम होती है, उनको एक्स्ट्रा अलाउंस बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब बहुत ही कम तो पे मतलब 6-7 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा उनका रिस्क अलाउंस ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ अगर उनकी कुछ बटालियन जैसे दंतेवाड़ा कश्मीर जैसे इलाकों में है तब उनको 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा, लेकिन CRPF को 20,000 रुपये तक एक्स्ट्रा पेमेंट के अलावा मिलते हैं। साथ में CRPF को अगर छुट्टी की बात करें, आपको जैसा पता ही है कि 60 दिन EL 15 डेज CL मिलती है और 2 बार पेटर्नल लीव 15-15 दिन की, यानी जब आप पापा या मम्मी बनने वाले हो तब आपको 15 दिन की पेटर्नल लीव वो 2 बार मिलती है। तो ये CISF में अगर छुट्टी का देखें तो आपको पता है 30 दिन EL मिलती है उनको, जबकि CRPF में 60 दिन EL मिलती है। उधर 30 दिन EL मिलती है, 15 डेज CL, पेटर्नल लीव बराबर मिलती है 15-15 दिन 2 बार पूरी सर्विस में, लेकिन CISF में 12 महीनों में 13 महीने का पेमेंट मिलता है, यानी 1 महीने का पेमेंट। तो पेमेंट वो कौन सा मिलता है, वो बेसिक पे जब दीपावली के आसपास मिलता है तो बेसिक पे उनको एक पेमेंट की 1 मंथ की एक्स्ट्रा मिलती है दोस्तों। तो ये CRPF और CISF में ये बड़े अंतर अगर देखने को मिले तो ये इनमें बहुत ही बड़े अंतर है दोस्तों। अब अगर आप इनकी बात करो CRPF की, तो आप CRPF आपको पता है देश के हर एक स्टेट में, यानी कोई सा भी स्टेट होगा उसमें CRPF के आपको जवान देखने को ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूरे सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री तो वैसे असम राइफल है, लेकिन हम हमारे देश में जैसे इसको ऐसे संबोधित करते हैं CAPF के बजाय पैरामिलिट्री बोलते हैं, तो सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि CISF इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों CRPF और CISF की सर्विस की, तो दोनों की सर्विस बराबरी है, कम से कम आपको 20 साल करनी पड़ती है दोस्तों इनमें सर्विस, चाहे CRPF में आप जॉब करो या CISF में जॉब करो, आपको कम से कम मिनिमम 20 साल की सर्विस करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल की एज कर दी गई है दोस्तों। तो सर्विस के मामले में दोनों बराबर है, दोनों ही गृह मंत्रालय के अंदर आता है, आपको पता है कि दोनों के दोनों बल गृह मंत्रालय के अंडर ही आता है दोस्तों। और VIP ड्यूटीज़ CRPF भी करती है और CISF भी VIP ड्यूटीज़ करती है। आप जैसे आपको पता ही है कि CISF के निंजा कमांडोज VIP ड्यूटी करते हैं दोस्तों, और CRPF भी VIP ड्यूटीज़ करती है दोस्तों। और अब भी इनके अलावा सर्विस है तो बराबर ही है दोनों की दोस्तों। तो ये बेसिक जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिए। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और जो भी बंदा आगे आने वाली भर्ती में देखना चाहते हैं भर्ती, तो वो ध्यान रखे कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी ड्यूटियाँ करता है।